सुने हो गए मुहावरा, ठीक है ना? तो वही वाला 2 जून है आज ये, ठीक। अब इसके बाद आप लोगों को अच्छे से और 1 महीना और 16 दिन है अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक। और जो लोग 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं साथ में एमपी बोर्ड वाले, उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 7-8 दिन है पहले पेपर के लिए केमिस्ट्री के, ठीक। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहें। अब इसमें करा रहा हूँ आज, बोलता है एक टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब है, टंगस्टन फिलामेंट बल्ब ऑफ पावर 60 वॉट, हैज टेम्परेचर 3000 केल्विन। इफ द सरफेस एरिया ऑफ फिलामेंट, सरफेस एरिया ऑफ फिलामेंट इज 25 mm square, देन फाइंड एमिसिविटी ई ऑफ इट्स मटेरियल, ठीक। आंसर्स गिवन है 0.52, 0.72, 0.26 और 1, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। करेंगे E = σ × T^4, Q/T = AE σ × T^4, Q/T को ही क्या बोलते हैं अपन, पावर। तो इससे E की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, power/A σ × T^4, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। अब इसे वैल्यू पुट करेंगे, पावर कितना दिया था 60 वॉट, एरिया कितना दिया 25 स्क्वायर मिलीमीटर है तो 10^-6 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, सिग्मा 5.67 × 10^-8, और टी कितना दिया था, टी इज 3000, तो 3000^4, तो 60/25 × ये 5 या 15 और 2 17/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, 81, ये 3×12 में से 14 गया तो 10 की घात 2 ऊपर आएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 से इसमें कैंसिल हो जाएगा 27 बार, ठीक। और ये 25 से इसमें कैंसिल हो जाएगा, 25 × 50 बचा 10 पे 0, 25 × 0, 240/17×27 और भाग जाएगा, 3 × 9 बार, 3×3 = 24, 80 बार, तो 80/17 कितना होता है, 17/53, ठीक है। तो 153 का भाग देंगे यदि अपन, तो 0.5 के आसपास आंसर आएगा, ये तो आएगा नहीं बहुत अलग, ये भी अलग है, तो आंसर क्या आएगा, 0.52, ठीक है। किसका किसका आ गया था, ठीक है। क्या बोलता है, ए एंड बी हैव एमिसिविटीज, अरे यार पेन में बहुत ज़्यादा शाही वर्गी लगता है, 0.01 and 0.81 रिस्पेक्टिवली। द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टू बॉडीज आर सेम, आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बॉडीज आर सेम, द टू बॉडीज एमिट टोटल रेडिएंट पावर एट द सेम रेट, द टू बॉडीज एमिट टोटल रेडिएंट पावर एट सेम रेट, द वेवलेंथ ऑफ बी, वेवलेंथ ऑफ बी करेस्पॉन्डिंग टू
बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मेरे को, लेकिन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी इज, एनर्जी डिफर बाय 1.00 माइक्रोमीटर विथ रिस्पेक्ट टू ए. द टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ ए इज 5802 केल्विन. देन नंबर वन, टी बी इक्वल्स टू 1934 केल्विन, लैम्डा बी इक्वल्स टू 1.0 माइक्रोमीटर, बी टी बी इक्वल्स टू 1934 केल्विन, लैम्डा बी इक्वल्स टू 1.5 माइक्रोमीटर, सी टी बी इक्वल्स टू 1740404 केल्विन एंड लैम्डा बी इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोमीटर, एंड डी टी बी इक्वल्स टू 5802 केल्विन एंड लैम्डा बी इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर. ये चार ऑप्शन दिए हैं. क्या दिया? बाप रे, पेन तो बहुत ज़्यादा शाही भर दी गई है. ई ए की वैल्यू ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4 अपॉन, दूसरे में सिग्मा ही है, एमिसिविटी अलग अलग है तो ई टू, एरिया सेम है तो ये ई ए और ये टी ए होगा, तो यहाँ टी बी टू द पावर 4. ई ए अपॉन ई बी इसकी वैल्यू उसने अपने को दी हुई है, क्या बोला है, टोटल रेडिएंट पावर एट सेम रेट, तो 1/1 हो गया, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया. ई ए की वैल्यू 0.01 है, ई टू की ई बी की वैल्यू कितनी है, ई बी की वैल्यू 0.81 है, एरिया सेम है तो टी ए की वैल्यू अपने को कितनी दी, टेम्परेचर ऑफ एट दिया हुआ है 5802, तो आपको टी बी निकालना है. ये जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 81 को इज इक्वल टू 5802 अपॉन टी बी टू द पावर 4. इसको 3 to the power 4 लिख सकते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो टी बी की वैल्यू जाएगी 5802 अपॉन 3. सॉल्व करोगे तो 1934 केल्विन आ गया. ये पहली चीज़ तो आ गई अपने पास, ठीक है. फिर अपने को पता है कि लैम्डा एम इंटू टी, लैम्डा इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक. तो लैम्डा ए टी ए इज इक्वल टू लैम्डा बी टी बी हो जाएगा. लैम्डा ए क्या बोलता है, डिफर दिए हैं अपने को, है ना, जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है. यानी 5802 जो है उसका लैम्डा ए लेंगे, तो लैम्डा बी के लिए 1934, तो इससे 3 बार कैंसिल हो गया, तो 3 लैम्डा ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, ये आएगा. तो लैम्डा ए जो है लैम्डा बी बड़ा होगा, तो इसका मतलब लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए इज इक्वल टू डिफर बाय कितना बोलता है, डिफर बाय 1 माइक्रोमीटर. यहाँ लैम्डा बी की वैल्यू पुट कर देंगे 3 लैम्डा ए माइनस लैम्डा ए इज इक्वल टू 1, 2 लैम्डा ए इज इक्वल टू 1, तो लैम्डा ए इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर. ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो लैम्डा बी की वैल्यू जाएगी 1.5 माइक्रोमीटर. तो ये इतनी वैल्यू आ गई और ये इतनी वैल्यू आ गई, तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया, बी. ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, ठीक है. वॉट बल्ब हैज़ एन एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहले क्वेश्चन जैसा लग रहा है पर अलग है, एंड इट बिहेव एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी ई की वैल्यू कितनी है, ई इज इक्वल टू 1 है. फाइंड
लैम्डा करेस्पॉन्डिंग टू ई एम, लैम्डा एम करेस्पॉन्डिंग टू ई एम, गिवन दैट सिग्मा इक्वल्स टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर कैलविन टू द पावर 4। ठीक, आंसर्स की बारे हैं, वन नाइन एट फोर टू एंगस्ट्रॉम, 9971 एंगस्ट्रॉम, 4982 एंगस्ट्रॉम एंड डी नन। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके दिखा रहे फटाफट, ठीक है। कुछ मैसेज आए हैं, सेकेंड बी 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सी 2800 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और डी 700 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये दूसरा क्वेश्चन है, दिया एरिया 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कर लिया मैंने, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो E1 हो गया, इसकी वाली 5.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 है इंटू टी टू द पावर 4, ये 25 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 और 6 14 इधर आ जाएगा, 5.67 को जैसे मैंने बताया था 17/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 या 12, 1200/17 कर लिया मैंने इंटू 10^12, ये टी की घात 4 हो गया, 17 का भाग देंगे तो 17 के भाग में 17/85, 17 × 17 = 119, एक पे शून्य, लगभग 70 जाएगा, तो 70 × 10^12 है। अब 70 ये 3^4 और 2^4 के बीच 3 के बहुत पास में है, तो 3 के बहुत पास है तो 2.8 लिख देंगे, और ये 10^12, 1/4 है 10^3, ये नियरली टी की वैल्यू जाएगी। अब यहाँ लैम्डा एम इंटू 2.8 × 10^3 इज इक्वल टू 2.87 × 10^-3, ऐसे ही रहता है ना माइनस 3, ठीक है। तो इससे अपने को लैम्डा एम की वैल्यू मिल जाएगी 2.87/2.8 × 10^6, 10^4, 10 का गुणा कर लेंगे तो एंगस्ट्रॉम बदल जाएगा, ये नियरली 1 आ जाएगा, 1 मीन्स 1 × 10^4 एंगस्ट्रॉम, यानी 10,000 एंगस्ट्रॉम के आसपास। आंसर इतने अलग अलग हैं कि आप इजीली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि वैल्यू कितनी आएगी, 9971 एंगस्ट्रॉम। आपको कोई बहुत बड़े बड़े कैलकुलेटर और कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन सही है तो आप पूरा सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इसको देख लें, अर्थ के यूनिट एरिया पर जो लाइट पहुंचती है, जो एनर्जी पहुंचती है पर सेकेंड, उसको बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि चाबी, हम चाबी गाड़ी की चाबी, हाँ दे दे, ये दूर से जो लाइट आ रही है जो अर्थ के ऊपर पहुंच रही है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस आपको पता है क्या, 1.5 करोड़ किलोमीटर, ऐसा मेरे को पता है, आप लोगों को पता है क्या, ये करोड़ का मतलब क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दहजार, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब कितना हो गया 8, तो 10^8 या 10^11 मीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है। यदि हम सन को, सन के सरफेस एरिया को लें, उससे निकलने वाली टोटल एनर्जी ई माने, ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो निकलेगी उससे और अर्थ तक पहुंचेगी, वो अर्थ के पूरे हिस्से में पहुंचने वाली है, ठीक है। अब इसमें अर्थ के पूरे हिस्से में पहुंचेगी, एक और चीज़ दी होनी चाहिए थी सोलर कांस्टेंट में, सोलर कांस्टेंट निकालने के लिए एक वैल्यू और मिलनी चाहिए थी,
और वो था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर सन का जो है ये 5800 केल्विन दिया है, मैं भूल गया था लिखना, सरफेस का टेम्परेचर 5800 केल्विन। मैं इधर पूरा मिटा करके आपको बता रहा हूँ इसको पूरा। सोलर कांस्टेंट हालांकि आपको याद कर लेना चाहिए, रेक्टा वाले ने चाहिए 1400 होता है 1400, ठीक है 1400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एग्जैक्टली स्पीकिंग 1375 जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, जो कि बी में लिखा है। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके भी थोड़ा सा देख लें अपन, क्योंकि हो सकता है कोई और दूसरे स्टार के बारे में पूछ ले कि उस स्टार से एक प्लेनेट की डिस्टेंस दे दे और पूछ ले कि उस प्लेनेट के लिए सोलर कांस्टेंट कितना होगा उस स्टार के लिए, तो आपको मैथड पता होनी चाहिए। देखिए जरा, ये सन है और इससे इतनी डिस्टेंस पर यहाँ अर्थ है, ठीक, यहाँ से इसके यूनिट एरिया पर एरिया को एक कर देंगे, टोटल 4πr² पर ये आर ले लिया जी कैपिटल आर एस ई, तो 4πr² ठीक, ये एरिया हो जाएगा, इतने एरिया पर जो एनर्जी आ रही है, ठीक, वो निकालना है अपने को क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए ई सिग्मा टी की घात 4, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपने को टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो इससे रेडिएटेड है ई इससे जो निकल रही है इसके पूरे एरिया से वो कितना होगा भाई, कैसे कैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैसे जो निकल रही है वो ई है, तो ई इंटू 4πr² ये हो जाएगा यूनिट टाइम पर, तो स्मॉल टी ले लेंगे तो ये इससे क्यू बाय टी की वैल्यू जाएगी, क्यू बाय टी इज इक्वल टू ए ई वन ले लिए सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। और जो अर्थ के इस पूरे सरफेस एरिया पर जो पहुंच रही है उसके यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा, उठाना जी कॉल आ रहा हो तो पी इज इक्वल टू 4πr² आर एस स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू टी की घात 4, ठीक है, ये पावर पी हो गई, और एस इज इक्वल टू पी अपॉन 4πr² हो जाएगा। ये अब बहुत इजी सा है, मैंने थोड़ा ध्यान देना बंद कर दिया, पी की वैल्यू कितनी रखोगे 4πr² इंटू सिग्मा इंटू टी टू पावर 4 4πr² का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। रेडियस ऑफ सन जो है, रेडियस ऑफ सन वो 7 × 10⁻⁸, रेडियस ऑफ सन ये 7 × 10⁸ मीटर्स है, ठीक है, तो इसको रख देंगे तो 7 × 10⁸ स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू 5.67 × 10⁻⁸, टी की वैल्यू 5800 × 4 अपॉन आर एस ई की वैल्यू 1.5 × 10⁻¹ का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर 1400 आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा।